नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग भारत। हिंद महासागर में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा चाहता है, लेकिन भारत अपना दबदबा चाहता है। इस बीच एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है। आईओआर में रणनीतिक प्रभाव के लिए भारत और चीन के बीच ग्रेट गेम जारी है। सोमवार की सुबह कोलंबो में एक भारतीय युद्धपोत निर्देशिक मिसाइल विध्वंस INS मुंबई के डॉकिंग के साथ ही तीन चीनी युद्धपोतों ने भी ऐसा ही किया, जिससे हलचल पैदा हुई। TOI की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के एक अधिकारी ने कहा कि चीनी युद्धपोत, जिनमें उसके समुद्री डकैती रोधी अनुरक्षण बल के युद्धपोत भी शामिल हैं, अब पहले की तुलना में हिंद महासागर क्षेत्र में काफी लंबे समय तक रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि IOR में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी, साथ ही क्षेत्र में अतिरिक्त रसद सुविधाओं की बीजिंग की तलाश है, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। निश्चित रूप से 140 युद्धपोतों वाली भारतीय नौसेना को निश्चित रूप से पाकिस्तान से निपटने और IOR में चीन को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूती की आवश्यकता है। बता दें कि जब चीनी युद्धपोत कोलंबो की ओर बढ़ रहे थे, भारतीय नौसेना ने तीन चीनी युद्धपोतों पर कड़ी नजर रखी है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दबंग भारत। नमस्कार।